तो किचन लेट्स कल में हूँ आपका फेवरेट लवर। मेरा नाम माधवी है। तो भाई साहब, कुछ दिनों पहले मैंने बोला था कि ये वाली जो CW होने वाली है हम सभी लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वैसे भी ये वाली जो CW है सिर्फ 5 वॉर की है, मतलब बहुत छोटी है। आप लोग इजीली आपका क्लैन अगले लीग में लेके जा सकते हो, इजीली प्रमोट हो सकते हो। और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये CWL के अंदर मोगी भाई और मोगी भाई की टीम हमारे क्लैन क्राउन वाइटी से खेलने वाली है और हम लोग कोशिश करने वाले हैं ग्लोबल टॉप 10 के लिए। और वैसे भी जो हमारी CWL है ना 48 आवर्स के बाद, मतलब जब हम लोगों ने वॉर लगाई स्पिन करी वॉर, उसके बाद 48 आवर्स के बाद और हमारी CWL लग गई। तो भाई साहब हम लोगों ने पहली मैच तो जीत लिया, अभी दूसरी मैच चल रही है और मेरा आखिरी अटैक बचा हुआ है। हमारे क्लैन की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, क्या हम लोग ग्लोबल टॉप 10 कर पाएंगे, क्या हमारे अटैक्स फेल होंगे या 3-स्टार होंगे, अभी पता चलेगा। अभी वॉर खत्म होने में थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, तो अभी चलेंगे डायरेक्ट गेम के अंदर। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट अटैक के लिए। तो गाइस वॉर खत्म होने में सिर्फ यहाँ पे 16 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 14 अटैक्स हम लोगों ने करे, 35 स्टार हमारे हो चुके हैं। दूसरी वॉर चल रही, पहली वॉर तो हम लोग जीत चुके हैं, मेरा ही अटैक आखिरी वाला बच चुका है। एंड इसी के साथ रैंकिंग देखेंगे तो हम लोग फिलहाल नंबर 3 पे है, ठीक है। पहली वॉर में 39 करे हम लोगों ने, अभी दूसरी वॉर में 14 में 35 हो चुके हैं। ओके गाइस आखिरी अटैक करेंगे नंबर 15 के ऊपर, नंबर 15 का ही बेस बच चुका है। ये वाला बेस है गाइस, अगर हम लोग देखेंगे तो इस बेस के ऊपर ना एक्सबोज 4-4 एक्सबोज ग्राउंड है, मतलब एयर अटैक में फायदा मिल सकता है हम लोगों को। तो ऑफ कोर्स हम लोग एयर अटैक के साथ ही चलेंगे, वन ऑफ द बेस्ट आर्मी क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर की, सबसे पावरफुल आर्मी है ये गेम के अंदर की, मेरे को लगता है सबसे पावरफुल ट्रूप है ये अब तक का। तो उसी के साथ हम लोग यूज करेंगे सारे के सारे सुपर ड्रैगन्स, हुड्डा, बलून्स, किंग और क्वीन, लिम्प आएगी, एक ही रेस्पेल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ब्लिम के अंदर ना हम लोगों ने स्निकी कॉप्स लेके रखे हैं। हुड्डे की एबिलिटी दे दी हम लोगों ने सही टाइम पे, तो ब्लिम के अंदर के स्निकी कॉप्स इजीली टाउनल टेक डाउन कर लेंगे। अरे बाप रे, 3 सुपर ड्रैगन्स टाउनल की साइड पे आ गए यार। एफ, अरे भाई साहब एक फ्रीज डालना पड़ा गाइस टाउनल पे क्योंकि ये हमारा सुपर ड्रैगन बच सके। अरे बाप रे, ओके क्वीन हमारी अच्छा काम कर रही है, बार्बेरियन किंग मरने ही वाला है, बस आरसी के लिए पाथ देख रहा किधर से बन सकता है। होल्ड करेंगे अभी फिलहाल आरसी, जैसे ही एक अच्छा पाथ दिखेगा तुरंत हम लोग डाल देंगे आरसी को। आई थिंक इधर से डालना चाहिए एंड यहां से बैटिंग करेंगे हम लोग। अरे बाप रे, अभी भी बहुत सारे स्प्लैट डैमेज वाली चीज़ें बची है, कम ऑन यार, एक पूरा बैट हो गया भाई, बहुत जल्दी डाल दिया मैंने बैट्स। एफ 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 गाइज हो गई। अरे बाप रे, अरे भाई साहब, अरे बाप रे, चलो तो अच्छी बात है आरसी एकदम ओपी काम कर रही है, क्वीन पे एबिलिटी पड़ी है और एक फ्रीज भी अभी भी हमारे। अरे खत्म है गाइज ये, गाइज दिस इज अ खत्म बेस। तो यहाँ पे आखिरी वाला फ्रीज डाल देंगे ताकि हमारी रॉयल चैंपियन जिंदा रह सके। ये खत्म है गाइज, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। तो भाई साहब ये हो गया हमारा 3-स्टार अटैक आखिरी वाला। इसी के साथ हमारे टोटल स्टार्स कितने हो चुके हैं अभी देखो, 5 ही अटैक्स है, मतलब 5 ही वॉर है, तो 5 में 15 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, 21 तो नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि 5 में 15 हम लोग करें। पहली वॉर के अंदर हम लोगों ने ट्रिपल मारा है, ये दूसरी वॉर है और ये दूसरी वॉर का भी ट्रिपल हो गया, क्वीन की एबिलिटी बच गई थी लास्ट तक। तो भाई साहब ये वाला अटैक हम लोगों ने कर दिया 3-स्टार एंड इसी के साथ हम लोगों ने ये वाली जो वॉर है ये जीत ली, क्योंकि अभी सामने वाले 3-स्टार भी करेंगे तो भी उनके सिर्फ 37 स्टार्स हो जाएंगे और हमारे हो चुके हैं 15 में 38। इसी के साथ गाइज हम लोग आ चुके हैं अभी नंबर 2 पे। पहली वॉर का 3-स्टार और इस वॉर का 3-स्टार, मतलब 2 अटैक में 6 स्टार हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। उसी के साथ गाइज गोहिल ने अटैक किया था इस वॉर के अंदर नंबर 2 के ऊपर। आर्मी देख रहे हो गाइज गोहिल की, जो हम लोगों ने आर्मी यूज करी थी सुपर ड्रैगन की, गोहिल ने भी सुपर ड्रैगन की आर्मी यूज करी यहाँ पे और सुपर बलून्स का भी इस्तेमाल किया है और सिर्फ 5 सुपर ड्रैगन के साथ गोहिल ने इस बेस को 3-स्टार निकाला है। भाई साहब कैसे निकाला होगा, मेरे को तो मतलब लिटरल यार 5 नहीं गाइस, 4 सुपर ड्रैगन से ट्रिपल निकाला गोहिल ने इस बेस को। मतलब देखा जाए तो पहला सुपर ड्रैगन तो फनलिंग के लिए यूज कर लिया, पूरा बेस मतलब 4 सुपर ड्रैगन से खाना कितनी बड़ी बात है गाइस, मतलब ट्रुप कितना पावरफुल है अंदाजा लगा लो यार आप लोग। देखो 4 सुपर ड्रैगन हो गए, ये तो मर गया जो 5वां था, मतलब जो सबसे पहले डाला था, 4 ही सुपर ड्रैगन, कुछ बलून्स, एक ड्रैगन राइडर ब्लिंप डाल दी, पहली रेड स्पेल, किंग और क्वीन बेस के बाहर से, और यहाँ पे एक्सबो एयर और एयर, 2 एक्सबोज यहाँ पे एयर थे और 2 ग्राउंड थे,
लेकिन हमारे अटैक में सारे के सारे एक्सपोज ग्राउंड थे, तो हम लोगों को एडवांटेज मिल गया गाइस। भाई साहब यहाँ पे सिर्फ सुपर ड्रैगन्स ने कैसा बेस तबाह कर दिया भाई, हद हो गई यार। किंग और क्वीन बेस के बाहर से काम कर रहे थे, आरसी देखना पड़ेगा गाइस गोहिल ने डाली किधर से है। तो भाई साहब आरसी को इधर ही डाल दिया बारबेरियन किंग के ऊपर, और एक ही रेड स्पेल डाल दिया यहाँ पे एक सुपर ड्रैगन के लिए सिर्फ, और वो सुपर ड्रैगन ने एकदम ओपी काम कर दिया भाई। दो सबसे खतरनाक चीजें वहां से टेक डाउन कर ली। अब जो बेस बचा था वो पूरा बेस को टेक डाउन किया गाइस किंग एबिलिटी और आरसी एबिलिटी ने और हीरोज ने। भाई साहब ये थोड़ा हेवी और रिस्की अटैक नहीं हो गया गाइस, सिर्फ पांच सुपर ड्रैगन से अटैक करना? मतलब वो सुपर बलून्स वगैरह लिए वो वर्थिट था नहीं, पर हो गया भाई जैसे तैसे करके अटैक थ्री स्टार हो गया। भाई साहब के पास एक फ्रीज भी बच चुकी है, आरसी एबिलिटी बच चुकी है, आरसी एबिलिटी यूज कर ली भाई साहब ने, और गाइस ये हो गया यहाँ पे थ्री स्टार और एक फ्रीज का पैक कर दिया भाई साहब ने यहाँ पे। तो भाई साहब ये कर दिया था गोहिल ने नंबर दो के ऊपर थ्री स्टार। अभी देखेंगे दूसरे प्लेस का थ्री स्टार अटैक। तो भाई साहब इस बेस के ऊपर सैम ने इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक किया था। ये वाला अटैक देख के मेरा दिल खुश हो गया भाई साहब, सबसे परफेक्ट इलेक्ट्रो ड्रैगन, वन ऑफ द परफेक्ट इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक। यहाँ पे ज्यादातर टाइम जब मैं करता हूँ या फिर दूसरे प्लेयर्स को मैं देखता हूँ इलेक्ट्रो ड्रैगन ना भटक से जाते हैं, लेकिन इन भाई साहब के इलेक्ट्रो ड्रैगन भटके नहीं, स्ट्रेट पाथ में फॉलो कर रहे थे भाई साहब अपना रास्ता। अभी अच्छे से देखना ठीक है, ये वाला अटैक अब तक का वन ऑफ द बेस्ट अटैक है ये इलेक्ट्रो ड्रैगन का जो मैंने देखा है, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को जो स्टार्टिंग में पाथ दिया गया था उसी पाथ में सारे के सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स गए, और ऐसा नहीं कि आधे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स एक साइड में आधे इलेक्ट्रो ड्रैगन एक साइड में। अच्छे से देख रहे हो अटैक, दो लेफ्ट में, तीन कोर में, एक राइट साइड में, सॉरी चार कोर में है, देख रहे हो? एक बार 2x में देखेंगे क्योंकि स्पैम अटैक है, जो भी हो यहां पे देख लो, देख रहे हो इलेक्ट्रो ड्रैगन्स ने पूरा मतलब एक साइड में गए नहीं भाई साहब अटैक। और हीरोज एज यूजुअल इलेक्ट्रो ड्रैगन में अटैक के अंदर जो होता है बेस के बाहर से घूमेंगे, और आरसी की जहां पे भी जरूरत होगी आरसी वहां पे डिप्लॉय करी जाएगी। और ये कर दिया भाई साहब सैम ने यहां पे थ्री स्टार अटैक। तो भाई साहब ये है इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक, वन ऑफ द बेस्ट जो अब तक मैंने देखा हुआ है। ओ ये गाइस इलेक्ट्रो ड्रैगन की बात कर रहे हैं तो मोगी भाई का अटैक हो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये रहा गाइस मोगी भाई का अटैक, मोगी भाई ने यहां पे इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ ट्रिपल निकाला है नंबर चार के ऊपर। तो भाई साहब आपको तो पता ही है अभी हम लोग ग्लोबल टॉप 10 के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मोगी भाई भी हमारे क्लैन के अंदर से खेल रहे हैं, उनकी पूरी टीम खेल रही है यहां से। तो मोगी भाई के दो अकाउंट्स मोगी भाई ने लिए हैं इस CWL के अंदर, दो अकाउंट से खेल रहे हैं मोगी भाई। तो यहां पे मोगी भाई ने इस्तेमाल किया था भाई स्टोन स्लैमर, थोड़ा रिस्की हो जाता है भाई स्टोन स्लैमर इलेक्ट्रो ड्रैगन में अटैक यूज करना, क्योंकि यार एक स्टार होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहां पे देखो किंग और क्वीन बेस के बाहर, लेकिन यहां पे ना एक बहुत गंदी चीज हुई जो मेरे को लगता है नहीं होनी चाहिए थी। सारे ना लगभग एक दो तीन चार पांच इलेक्ट्रो ड्रैगन्स टाउन हॉल कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, टाउन हॉल को फोड़ देते हैं, फोड़ने के टाउन हॉल का पॉइजन निकल जाता है, सारे के सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन उधर ही मर जाते हैं। उसके बावजूद ये अटैक कैसे ट्रिपल हुआ मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, आओ जरा देखते हैं। तो भाई साहब अभी देखना, पांच इलेक्ट्रो ड्रैगन टाउन हॉल कंपार्टमेंट में घुस गए, इतने सारे ढेर सारे बलून्स निकल गए, अभी देखा इतने सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन से ना वहां से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, उधर ही गायब हो जाएंगे ठीक है। टाउन हॉल का पॉइजन आ गया, अब सारे के सारे इलेक्ट्रोज उधर ही मर जाएंगे, देखना। देखो तीन तो मर गए, ये चौथा मर गया, अब ये पांचवा इलेक्ट्रो ड्रैगन है, लो भाई साहब ये भी मर गया, सारे के सारे इलेक्ट्रोज उधर ही मर गए है कि नहीं। और अभी भी बेस के अंदर इतनी सारी चीजें, एनिमी क्वीन, ये मल्टी सीसी का लावा निकला नहीं है, ये एक्सबो ये क्या नाम है इसका स्कैटर शॉट, ये विजर टावर, इतनी सारी चीजें बची है, उसके बावजूद कैसे ट्रिपल हो गया भाई साहब? लावा वावा ने तो दिक्कत दी गाइस, लेकिन उसके बावजूद ट्रिपल हो गया ये। जस्ट इमेजिन अगर इलेक्ट्रो ड्रैगन्स पांच की जगह सिर्फ वहां पे दो चले गए होते और दो पूरे बेस तीन दूसरी तरफ होते तो आराम से ये अब तक ट्रिपल हो जाता बेस। पर आधे से ज्यादा काम तो गाइस हीरोज ने किया, इलेक्ट्रो ड्रैगन ने सिर्फ 50% वैल्यू निकाली, 50% से ज्यादा की वैल्यू हीरोज ने निकाली यहाँ पे। तो भाई साहब आरसी डिप्लॉयमेंट देख के दिल खुश हो गया, एकदम ऊपर की साइड पे आरसी डिप्लॉय किया और उधर से आरसी क्लियर करते हुए आए नीचे तक, क्विन के पास एबिलिटी, आरसी के पास एबिलिटी, लावा निकल गया था, लावा फट गया, आरसी एबिलिटी इस्तेमाल कर ली भाई साहब ने यहाँ पे, और ये हो गया मोगी भाई का थ्री स्टार अटैक। तो भाई साहब ये था इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक मोगी भाई का इस वॉर के अंदर, हमारा अटैक तो हम लोगों ने कर लिया भाई साहब ठीक है। तो ये एक हो गया था अटैक,
मोगी भाई ने एक और इलेक्ट्रो ड्रैगन तगड़ा अटैक किया था गाइज। ये वाला बेस लेआउट देख के मेरे को डर लग गया था भाई। बेस लेआउट ही भाई कितना खतरनाक बेस लेआउट है ना। और मोगी भाई का भी यहाँ पे फेल होते होते ट्रिपल हुआ। ऐसा नहीं कि एकदम आराम से थ्री स्टार किया, मोगी भाई के पसीने छुड़ा दिए थे भाई इस बेस ने। इतना मुश्किल बेस था लेकिन थ्री स्टार हो गया फाइनली। तो यहाँ पे देखो सारे सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स डाल दिए, ब्लिम डाल दी बुड्ढे की एबिलिटी के अंदर, पहली रेज गिरा दी थी और दूसरी रेज टाउनल पे गिरा दी थी, क्वीन को डाल दिया था। 3 o'clock पे बारबी रैंकिंग भी आ गया भाई साहब। ये वाले अटैक में ना मतलब दिल की धड़कने रुक गई थी, मेरे को लगा 95-96 पे आके खत्म ना हो जाए भाई साहब अटैक, तो बहुत गलत हो जाएगा हमारे लिए वो। क्योंकि यार अबाउ 90% के जो अटैक्स होते हैं वो थ्री स्टार होने के चांसेस ज़्यादातर होते हैं, लेकिन टाइम फेल होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे CWL खेल रहे हो और ग्लोबल टॉप 10 के लिए कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक स्टार की ज़रूरत है वहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो गाइज, लगभग आर्मी मरी गई थी। ये वाले इलेक्ट्रो ड्रैगन की फुल थी, इसकी फुल थी और इसकी मर गई थी। दो ही इलेक्ट्रो ड्रैगन और किंग और आरसी दोनों की एबिलिटी, बाकी सारे हीरोज की एबिलिटी खत्म, मतलब क्वीन और बुड्ढे की, ठीक है। उसके बावजूद कैसे निकाल दिया मोगी भाई ने इधर ट्रिपल, देखो बहुत पेशेंटली इन्होंने यहाँ पे डाले फ्रीज स्पेल्स, वही एक तरीका है जिससे इन्होंने थ्री स्टार निकाला। क्योंकि मैंने इनके ज़्यादातर अटैक्स देखे हीरो से ही 50% की वैल्यू निकाल लेते भाई साहब, उसके बाद तो फिर हो जाता है काम। लो भाई ये भी इलेक्ट्रो इधर मर जाता है। लो भाई आरसी भी एबिलिटी गई थी और यहाँ पे बारबी रेन किंग था एनीवे का भाई साहब, और इस इलेक्ट्रो ने जान कैसे बचाई भाई, इसी इलेक्ट्रो ने ट्रिपल निकाला। एक बार 2x में देखेंगे। एक आखिरी वाला फ्रीज बच गया था एंड क्वीन ने सक्सेसफुली इस मल्टी इन्फेरो निकाल लिया। यहाँ पे फ्रीज डाल दिया था ईगल के ऊपर, यहाँ पे अभी सीकिंग एयरमाइन भी लगता है, शायद लगेगा सीकिंग एयरमाइन। लो भाई लग गया। यहाँ पे दिल की धड़कने मेरी तेज हो गई थी, मेरे को लगा खत्म भाई अटैक, पर हो गया थ्री स्टार। देख रहे हो गाइस कितनी कम हेल्थ है और यहाँ पे थ्री स्टार हुआ। ये बहुत एक खतरनाक अटैक था जो मैं लाइव देख रहा था, तो ये हो गया थ्री स्टार। और भाई साहब ये वाला अटैक, मतलब जो अटैक मैंने किया, मेरे अटैक करने से पहले मंजीत ने यहाँ पे अटैक किया था, मतलब मैं रिकॉर्ड करने बैठा उसके पहले मंजीत भाई साहब अटैक कर रहे थे इस वाले बेस के ऊपर। तो ये देखो इन्होंने अटैक किया था एकदम लास्ट मोमेंट में, लास्ट के आधे घंटे में कुछ अटैक किया था इन्होंने। तो इन्होंने यहाँ पे किया था क्वीन चार्ज ड्रैगन राइडर, जो कि मेरे हिसाब से तो हद से ज़्यादा रिस्की अटैक है इस बेस के ऊपर, क्योंकि हद से ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ना, तो क्वीन के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर क्वीन बच गई मतलब फिर तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। नहीं ये इन भाई साहब ने क्वीन कैसे बचा ली इधर, मेरे को समझ ही नहीं आया। वैसे देखा जाए ना बेस का जो क्या बोलते हैं उसको, डिफेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम अच्छे से लगा के रखा है सामने एनिमी वालों ने, लेकिन उसके बावजूद भाई साहब ने ट्रिपल कर दिया। बारबेरियन किंग के साथ टाउन हॉल टेक डाउन किया इस बेस के ऊपर। दिस इज परफेक्ट बेस फॉर इलेक्ट्रो ड्रैगन मेरे हिसाब से, और सुपर ड्रैगन आराम से हो सकता है। पर मेरे को अच्छा लगा क्वीन चार्ज लावालून हुआ भाई साहब इस वाले बेस के ऊपर। बारबेरियन किंग की एबिलिटी दे दी एंड किंग की एबिलिटी के अंदर टाउन हॉल इन भाई साहब को मिल गया। अभी क्वीन आई इस कंपार्टमेंट के अंदर क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं, और इधर से भाई साहब ने चालू किया था अपना सुपर ड्रैगन अटैक। थोड़ा फंस गया था आगे जाके लेकिन ट्रिपल निकला। क्वीन के ऊपर रेस डालना पड़ा, सिंगल धर लिया था लेकिन क्वीन घूम गई दूसरे कंपार्टमेंट में। एक बार 2x में देखेंगे। तो ये हो गया था यहाँ पे क्वीन का काम, किंग का काम, और सारे के सारे ये डाल दिए इन्होंने अपने ड्रैगन राइडर्स, बुड्ढे की एबिलिटी दे दी। और सबसे अच्छी बात मेरे को जो लगी, बुड्ढे की एबिलिटी तब दी इन्होंने जब इन्होंने हेड हंटर्स डाले, रेड स्पेल भी डाला, क्योंकि सारे हीरोज किंग क्वीन आरसी एक ही जगह पे थे, तीन हेड हंटर डाले और सब खत्म कर दिया भाई साहब रेड स्पेल डाल के। हेड हंटर ने पूरा मतलब हीरोज को मार ही डाल दिया उधर। देखो क्वीन अभी भी जिंदा है विद एबिलिटी, अभी भी इतने सारे ढेर सारे स्पेल्स बच चुके भाई साहब के पास, और आराम से भाई ये वाला बेस थ्री स्टार निकाल लिया। मजा आ गया भाई ये वाला अटैक देख के। तो ये वाला अटैक था गाइज यहाँ पे क्वीन चार्ज ड्रैगन राइडर के साथ। आखिर में सिर्फ दो ड्रैगन राइडर्स बच चुके थे लेकिन फ्रीज और इनविजिबिलिटी स्पेल थे, तो आराम से ये वाला बेस ट्रिपल हो गया। हालांकि टाइम बहुत कम था, लास्ट के 2 सेकेंड जब बचे थे तब ट्रिपल निकला है, ये सीसी लास्ट में बच जाती है, लेकिन हो गया था ये वाला अटैक ट्रिपल। मजा आ गया भाई साहब ये वाला अटैक देख के। तो भाई साहब ये थी हमारी वॉर। फिलहाल हम लोग नंबर 2 के ऊपर है पूरे CWL के रैंकिंग में, मतलब हमारे लीग के अंदर नंबर 1 पे क्लैन है। नंबर 1 और 2 में सिर्फ 2 स्टार का डिफरेंस है। तो अभी मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में।
अगले मैच के साथ, अगले मैच का रिजल्ट, अगले मैच का अटैक लेके। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।